स्टार प्लस के शो माटी से बंधी डोर की कहानी में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स जारी है। शो में जहां आप देखते हैं कि राणा जया से झूठ बोलकर वैजू से मिलने गया है कि वह पुणे में अपनी क्लाइंट से मिलने जा रहा है। रणविजय जहां वैजू से मिलने गया है, ऐसा लगता है कि रणविजय को चोट लग जाती है और वह गिर जाता है और फिर बेचारे राणा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ वह मौत के करीब है और इसका आभास जया को भी हो जाता है। वहीं जया राणा को किसी हाल में खोना नहीं चाहती और वह रणविजय का हालचाल जानने के लिए अपने ऑफिस में फोन करती है। जब जया को पता चलता है कि राणा किसी प्राइवेट काम से बाहर गया हुआ है, वहीं जया राणा के इतने बड़े झूठ पर काफी हैरान है और इसका कारण भी जानना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ वैजू भी राणा के लिए काफी चिंतित है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करता है। तो आगे शो में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वैजू जया को राणा के बारे में सब कुछ बता पाएगा और उसे शांत रख पाएगा। वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इन सीरियल माटी से बंधी डोर। फॉर लेटेस्ट टीवी न्यूज़ एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेली नेटवर्क।